Hold. गाइस हम आ चुके हैं इस टाइम वकारा दे डेरे। और एक कुत्ता भाई। लेट्स या ब्रो, ये तो हमारे साथ आए थे हम सभी, तो अभी थोड़ा आगे जाके ना आगे भी आप अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं श्रीनगर हैदरपुरा से। तो आज मैं आपको श्रीनगर स्मार्ट सिटी एक्सप्लोर करवाऊंगा, क्योंकि हर एक भी जिसका भी व्लॉग देख रहा हूँ तो वो अपने टाइटल में यही लिख रहा है, एक्सप्लोरिंग स्मार्ट सिटी ऑफ श्रीनगर, एक्सप्लोर पोलो व्यू मार्केट, एक्सप्लोरिंग लाल चौक। तो आज हम भी जा के देखते हैं ऐसा है क्या वहाँ पर। तो आप व्लॉग में बने रहो, कोशिश करता हूँ मैं भी आपको आराम से बस तो कोशिश कर। तो ये हैदरपुरा, अभी फ़िलहाल हमने व्लॉग भी अपना हैदरपुरा से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से शुरू हो जाती है स्मार्ट सिटी का काम जो है वो यहाँ से अच्छे से किया हुआ है। तो आगे फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर भी दिखाऊँगा, लाल चौक घंटाघर जो जिसकी रिकन्स्ट्रक्शन की गई है वो भी देखते हैं वहाँ पे कैसे किया गया कैसे नहीं किया गया, पहले वाला घंटाघर है या कुछ चेंजेस आई हैं। तो उसके बाद आपको पोलो व्यू मार्केट भी थोड़ा सा दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, ये वाला एरिया जो है ये है पारेपुरा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एरिया, यहाँ पे हम बहुत सारे लड़के रहते हैं इस टाइम। मेरा पीछे वाला जो बैग है वो फुल, उसकी वजह से ना बाइक पूरा हिल रहा है यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आगे गाड़ी वाले ने बाइक वाले को उड़ा ही दिया था। आगे जी हम फ्लाईओवर श्रीनगर पे, तो यही एक वाइड फ्लाईओवर है श्रीनगर का जो लंबा भी है थोड़ा सा बड़ा है बाकी हैदरपुरा वाले फ्लाईओवर से, वो थोड़ा सजाया भी गया अच्छे से। तो यहाँ से ऊपर जब ड्राइव करता है ना बंदा तो अलग ही फील आता है, इसलिए मैं जब भी श्रीनगर में व्लॉग बनाता हूँ तो इस फ्लाईओवर को ज़रूर ले आता हूँ अपने व्लॉग में। यहाँ से ना ड्राइव करने का सुकून ही अलग है। तो मैं आगे से होके निकलूँगा, ये अटल गेट का एरिया भाई सुनसान है, यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आ नहीं रहे यहाँ पे। अब जो पीक सीज़न है वो यहाँ का ख़त्म होता जा रहा है, लोग गर्मी के मौसम में ज़्यादा ठंडी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त आगे गेट नंबर 18 पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनसे ही मिलना है। तो अभी फ़िलहाल मैं गेट नंबर 5 पे हूँ, अभी 13 गाट मुझे और क्रॉस करने, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास पहुँच जाऊँगा। मेरी आज खुद ना गर्मी से हालत पूरी ख़राब हो गई है, कॉल कर लिया फ़िलहाल तो वो यहीं पे आ रहे हैं। मैं आगे निकल गया था तो वहाँ थोड़ी धूप थी ज़्यादा, सोचा धूप में रह के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा साया था, दरख्त थे ऊपर तो छाँव अच्छी खासी थी, तो इसीलिए मुनासिब समझा यहीं पे आके रुकना। तो अब वो भी पीछे से आ रहे हैं तो अभी उनका ही वेट कर लेते हैं कब तक आएंगे वो। ऐसा क्या ही खूबसूरत नज़ारे हमारी स्मार्ट सिटी श्रीनगर के, वो भी शाम के टाइम। ये नज़ारे आप चेक करो गाइस, कितने खूबसूरत नज़ारे। ये देखो पोल्स के साथ लाइट्स ना, उन पे तरंगा बनाया गया और उनकी सजावट ही कुछ अलग है। मेरे सामने चल रहा इस तरह मड़ी जा ही रहा है, बोलो वे मैं पार कितने करा, बोल गाइस हम आ चुके हैं इस टाइम वकारा दे डेरे। तो आगे जी हम घंटाघर, शाम का टाइम है, घंटाघर में इस टाइम काफ़ी लोगों की ज़्यादा भीड़ है,
तो आगे लोग घंटा घर के पास सेल्फी उठा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ का नज़ारा देखते हैं, उसके बाद बाकी मैं आपको यहाँ की पूरी एक एक चीज़ दिखाता हूँ। जी हम घंटा घर में, तो मैंने हेलमेट में से कैमरा निकाल के जो मोटर सेटअप था वो साइड पे रख दिया। आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो मेरे साथ दो दोस्त भी आए थे, तो उनसे भी मैं मिलाऊँगा। पहले आते आगे बहुत ही बड़ी LED स्क्रीन लगाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो हम सीधा जाके मिलते हैं LED स्क्रीन पे। और एक कुत्ता भाई ये तो हमारे साथ आए थे हम सभी। तो अभी थोड़ा आगे जाके ना आगे भी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी एक्सप्लोर करते, तो हमने सोचा आज हम भी ये इस टाइम घंटा का लाल चौक का पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। वो सामने जो दिखाई दे रही है वो है क्लॉक टावर घंटा लाल चौक की। तो अभी इस टाइम शाम को ना काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है। तो ये मुदस्सर भाई और वकार भाई मेरे साथ आए थे, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। तो वो आगे स्क्रीन कश्मीर की सबसे बड़ी जो स्क्रीन इंस्टॉल की गई है 3D स्क्रीन, वो आगे सामने आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से करते हैं आज के व्लॉग को ख़त्म। तो दीजिए अपने दोस्त परवेज को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।